Hello students, let's look at this question. State true or false. In a photoelectric emission process, the maximum energy of photoelectron increases with increasing intensity of the incident light. तो सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ. जो हमारा की कंसेप्ट इसमें लगेगा वो हमारा लग जाएगा के ई प्लस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू. म्यू हमारी जो है वो फ्रिक्वेंसी है, वेयर म्यू स्टैंड्स फॉर फ्रिक्वेंसी. ओके, एंड वर्क फंक्शन जो होता है हमारा, वर्क फंक्शन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एच इंटू म्यू नॉट, जो कि होता है हमारा, ये म्यू नॉट हो जा होता है, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ओके, नाउ दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ये डिटरमाइन करती है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारी ज़्यादा रहेगी हमारी गिवन फ्रीक्वेंसी से, तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा. ओके, एंड एच हमको जैसा कि पता है एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ हमको जैसे कि पता है कि प्रीवियस इक्वेशन से मैंने निकाल लिया एच वी माइनस डब्ल्यू, एच म्यू माइनस डब्ल्यू. अब जैसा कि हम देख सकते हैं एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, इंसिडेंट फोटोन इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन increases and it is independent of intensity of light. इस इक्वेशन से हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का तो कोई रोल ही नहीं है इस इक्वेशन में. तो यानी इसके हिसाब से ये जो हमारा स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज false. Hope you understood this question. Thank you.